करोड़ आजादी क्लब के अंदर 16-17 लीडर ऑलरेडी आ चुके हैं, ये संख्या और बढ़ती जा रही है। उस आजादी क्लब की मीटिंग के बाहर में मेरे ख्याल से 5 या 7 लोग और 1 करोड़ आजादी क्लब में आ गए अभी तक, और ये बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये 1 करोड़ साल से कमाने वाले भी मोदी केयर ने इतने लोग पैदा कर दिए हैं, और उसमें हर बैकग्राउंड का इंसान है, उसके अंदर एक पाव बजे ठेला लगाने वाला भी, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोदी केयर तो प्रूव कर चुका है, और मोदी केयर जो कर रहा है वो हिंदुस्तान की कोई कंपनी आज तक कर नहीं पाई, 23 साल ही पूरे नहीं कर पाई, तो कुछ क्या करेगी? एक भी कंपनी नहीं है जिसने हिंदुस्तान में 23 साल पूरे कर दिए। तो आप लोग जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो वो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अब 2-3 चीजें जो मेरे को आप लोगों को बतानी है। पहली बात तो ये है, ये जो बिजनेस है ये बिजनेस भाईचारे का बिजनेस है, साथ मिलकर बिल्ड करने का बिजनेस है, एक दूसरे को प्रमोट करने का बिजनेस है। हम बहुत बड़ी गलती पता है क्या करते हैं इस बिजनेस में, जब हम इस बिजनेस के अंदर आते तो हम ये समझ नहीं पाते कि यार इस बिजनेस के अंदर जो एंटायर मोदी केयर है, जो एंटायर मोदी केयर का बिजनेस है, उस पूरे मोदी केयर बिजनेस का पैसा आपको आने वाला है। आपको पता है यार? अच्छा कितने लोगों को पता है कि मोदी केयर में आपको पूरे मोदी केयर के टर्नओवर से पैसा आता है? नहीं पता आपको किसी को? आप डायरेक्टर बोनस जानते क्या होता है? पूल है ना, 3% पूल। आपका टेबल फंड क्या है? 3%। फिर आपका आपका कार फंड क्या है? 5%। आपका हाउस फंड क्या है? 3%। ये पूल है ना, ये एंटायर मोदी केयर के पूल से आता है। हमारा LTV जो 15% है वो कहीं से आता है? पूल से आता है।